नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले में दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम नर्सिंग कॉलेज की जांच में जुटी हुई है। नर्सिंग कॉलेज संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कल संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि तिरला में, रात को लगभग 1:30 बजे तक टीम के द्वारा दस्तावेजों को खंगाला गया, जांच की गई, स्टाफ के बारे में जानकारी ली गई। टीम लगभग 11 बजे आज नित्यानंद कॉलेज में पहुंची जो कि धार के समीप ज्ञानपुरा में। बताया जा रहा है कि नित्यानंद कॉलेज के नर्सिंग फर्जीवाड़े की जांच के लिए सीबीआई की टीम यहां पर दस्तावेज खंगाल रही है, स्टाफ का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्र छात्राओं की संख्या, टीचर्स की संख्या, एक बिल्डिंग में कितने कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, इन सब की जानकारी सीबीआई के द्वारा ली जा रही है। नित्यानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर सीबीआई अपना शिकंजा कस रही है, जिससे कि कॉलेज संचालकों में हड़कंप बना हुआ है। अब सीबीआई कल किस कॉलेज में जांच के लिए पहुंचेगी, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम के साथ ही न्यायाधीश और राजस्व का अमला भी इस जांच में शामिल है। हालांकि कॉलेज के बंद कमरों में ये पूरी तरह जांच की जा रही है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। नित्यानंद कॉलेज में फर्जीवाड़े के चलते सीबीआई की टीम यहां पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। वही सीबीआई की धार में एक बार फिर दस्तक से नर्सिंग कॉलेज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। अरे वो है ना, वो आपकी मांगो कौन सी टीम गई थी आपकी? हाँ तो इन्हें अभी अभी कौन